भारत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मानसी। देखिए इस वक्त हम रिस्पना पुल पे मौजूद है और मेरे साथ आप पीछे काफी लोग देख रहे होंगे जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सभी कांग्रेस के लोग हैं जो आज विधानसभा का घेराव करेंगे। कल ही उत्तराखंड में विधानसभा में बजट पेश हुआ था, उसके बाद न जाने कितनी कमियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लग रही है, कांग्रेस के लोगों को लग रही है कि आज वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। उन्होंने पोस्टर भी पकड़ा हुआ है अपने हाथों में कि उत्तराखंड समस्त कोविड, और ऐसे लिखा हुआ है कि आज विधानसभा कुछ ये लोग करने वाले हैं। और आपको बता दें कि हरीश रावत जी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो उत्तराखंड के, उनके नेतृत्व में आज विधानसभा का घेराव करेंगे। इस वक्त मेरे साथ है, मैं मुझे ये बताइए कि जोश भरा जो मैं लोगों को देख रही हूँ और जिस तरीके से अपने गाँव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार कह रही है अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पर, तो अतिक्रमण का मतलब है कि आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ थोड़ी करेंगे। हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी है, विधानसभा का घेराव आप लोग करने वाले हैं, तो लड़ाई लोगों की कामयाब होगी, लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, ये हठधर्मी सरकार है, अपने संख्या बल के आधार पर, अपने बहुमत और अपने प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के बल पर ये लोगों का दमन कर रही है, एक तरह से अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इन्होंने शुरुआत तो करी अल्पसंख्यक वर्ग से, उनकी मजारों को तोड़ना, धर्मांतरण कानून करना, लैंड जिहाद करना, लेकिन अब इनका बुलडोजर बढ़ चला है पहाड़ी लोगों की तरफ। बिंदु खत्ता एक ऐसी जगह है जहां 1,25,000 से ज्यादा की बसावट है, तो आप उनकी रोजी रोटी छीनने की ओर अब कदम बढ़ा रहे हैं और 2006 का जो अध्यादेश है उसको भी आप धत्ता साबित कर रहे हैं, बेमानी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज किस तरह से ये सरकार अपने ही लोगों का दमन करने पर उतारू हो गई है, उसकी ये वानगी है, क्योंकि सरकारें जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। तो कौन सी जनता, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनकी गिद्ध दृष्टि लैंड पर है, भूमि पर है, क्योंकि भूमाफिया के शिकंजे में ये है। तो इनको है कि ज्यादा से ज्यादा अतिक्रमण के नाम पर लोगों को हटाओ और फिर उस भूमि को अपनी कब्जे में करो और अपने भूमाफिया साथियों को दो। आप देख रहे हैं पूरे देश में वही चल रहा है, कैंटोनमेंट्स को बदला जा रहा है, सर्वे में क्या खेल चल रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया में, ONGC में क्या खेल चल रहा है, उसी के तहत ये सारे खत्तों और सारे गोटों की लड़ाई है। जहाँ बसावट है और 50-60 साल से लोग रह रहे हैं, रिहाइश है लोगों की, उनको अब निकाला जा रहा है। तो हमने पहले भी कहा था, ये एक शेर जो इस पूरे समीकरण पर मौजूद साबित होता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में, यहाँ पर मका हमारा ही थोड़ी ना है। तो लोग जो देख रहे थे कि केवल अल्पसंख्यकों का घर उजड़ रहा है, उनकी मजारें टूट रही हैं, आज उन पर खुद पर बीत आई है, सभी लोगों पर, तो सारी जनता को एकजुट होना होगा, एक मुट्ठी बनना होगा। आपने दो बातें कही कि एक तो सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, दूसरी आपने कही कि जनता इनको दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहली बात तो अगर इनको जनता दिखाई नहीं दे रही और ये ठोककर दावे के साथ कहते हैं कि 2024 में मोदी सरकार, तो अगर जनता का ये हाल है तो मोदी सरकार कहाँ से आएगी? जनता दिखाई नहीं दे रही तो वोट कौन देगा? मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, आज समाज का हर वर्ग, आप चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, वो सड़कों पर है। किसान आप देख रहे हैं सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, कोरोना वॉरियर्स है, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग, वकील, सब सड़कों पर है। फिर इनको वोट कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, और वोट इनके पाले में कैसे जा रहे हैं इस पर भी एक बड़ी धांधली नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो बात मैंने पहले भी आपसे कही कि जो लोग अगर नाखुश है, असंतुष्ट है, उनको चुनाव में ये साबित करके दिखाना होगा कि वो इस सरकार से नाखुश है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का जो आलम है और जिस तरह से दमनकारी नीति पर अब ये सरकार चल रही है, और वाकई लोग तो इनको नजर आ नहीं रही है, अपने एक सेट एजेंडा के तहत सरकार चलाते हैं, उसका आप बानगी बिंदु खत्तप के ऊपर अतिक्रमण हटाओ अभियान के रूप में देख रहे हैं, उसको वन भूमि घोषित कर दी गई, और जो वन भूमि पर इनके नेता और कार्यकर्ता कब्जा करके रखे हुए हैं उस पर बिल्कुल चुप्पी है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगी, सहसपुर जाइए, सहसपुर में जो वन भूमि है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद उसको टिहरी की सांसद, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और उद्यान मंत्री गणेश जोशी जी के साथ मिलकर जो सांठगांठ करी है और जो भूमि वन भूमि का खेल किया है, वो सब कुछ सबके सामने है, सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस पर चुप्पी। ये बताइए कि पुलिस प्रशासन तो विधानसभा आपको जाने दे नहीं रहा है, यहाँ लोग बैठ गए हैं लेकिन बस लोगों को लड़ाई लड़नी है अपनी, तो अभी क्या करिएगा आप, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था खड़ा करे, वो जाने देगा नहीं, तो क्या करेगा? जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। अच्छा, तो फिर आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, विधानसभा तक कैसे जाएगी ये आवाज, ये लोगों की आवाज, ये आपकी आवाज? देखिए, विपक्ष को संविधान ने यही अधिकार दिया है, विरोध प्रदर्शन करने का, एजिटेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का,
हम वही हथकंडे अपनाएंगे और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम कानून में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, हमें जो आदेश मिला हमने यहीं पर अपना घुसेरा बना लिया। ठीक है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी निश्चित रूप से। 1,25,000 लोगों का सवाल है और ऐसे कई वोट और खत्ते हैं, केवल बिंदु खत्ता में ही 1,25,000 है। तो आप सोच सकते हैं कि रिहायशी इलाकों को भी अगर ये इस तरह से बुलडोजर बाबा की नीति पर चलेंगे तो फिर बचेगा क्या उत्तराखंड। हमारे जो वोट और खत्ते हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जिनको विस्थापन करके सरकार ने बसाने का काम किया है, उन सबको जो है जिस भूमि पर बसे हुए हैं उनमें मालिकाना हक देने और उनको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर के संघर्ष है। और ये सरकार उनको अतिक्रमणकारी बता रही है सरकारी भूमि पर, और हम कह रहे हैं ये 100 साल पहले से, देश की आज़ादी से पहले से बसे हुए लोग हैं और उत्तराखंडियत के प्रतीक हैं। ये गरीब हैं, भूमिहीन हैं, दलित हैं, वो बसे हुए हैं, उनको ये यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, अतिक्रमणकारी बता करके उनको तलवार लटका रही है। हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी कई बस्तियां देहरादून में भी हैं, हरिद्वार में भी, हम ये सरकार की नज़र किसी पर नहीं जाती, हमारी नज़र गई थी, हमने ऐसी मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था और कानून बनाया था जिस कानून के ऊपर पिछले 7.5-8 साल से ये सरकार बैठी है। हरीश रावत जी, लोगों की लड़ाई कामयाब हो पाएगी आपके नेतृत्व में? और एक मिनट, आपने कहा कि अतिक्रमण हटाना है, तो अतिक्रमण हटाने का मतलब ये थोड़ी आप लोगों की जिंदगी से खेले? हमने अतिक्रमण हटाना नहीं, सरकार कह रही है, तो उसका मतलब सरकार लोगों की जिंदगी से थोड़ी खेलेगी अगर अतिक्रमण। 100 साल पहले इस देश की आजादी से पहले जो लोग बसे हुए हैं उनको अतिक्रमणकारी कह रहे हो? बिल्कुल, हम तो कह देंगे इस हिसाब से तो भाजपा भी अतिक्रमणकारी है। पहले हम हमारी सरकार थी और हम अब भाजपा आ गई तो वो भी अतिक्रमणकारी है, इनकी परिभाषा को मान लिया जाए। ठीक है, तो लड़ाई सफल करा के रहेंगे लोगों की? बिल्कुल रहेंगे, ये लड़ाई चलेगी, अभी सड़क पर है और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के घर में भी चलेगी। ठीक है।